A very good morning, friend. It is the next lecture from the ecology series, and in this video we are going to talk about the first abiotic factor, temperature. We are doing in Hindi, so let us start in Hindi. So jo first hamara abiotic factor hai wo temperature hai. Temperature sabse pehle isliye liya gaya hai kyunki temperature se hi aapki jo biogeographical distribution of species hai temperature pe hi depend karti hai. Temperature se hi jo aapka species mein variation aa raha hai wo mainly temperature se hi aa raha hai. Jo post species hai wo dusri tarah ki hai, different type ki hai, aur jo equator species hai wo different type ki hai. Ab hame jo padhna hai is video mein wo ye hai ki wo जो स्पीसीज हैं वो किस तरह सरवाइव कर रही हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स में. तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से लेकर. इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर डिफरेंट जो लॉज हैं जो दिए हुए हैं, एलेंस ला है, बर्गमैन्स ला है, एक दो ला और भी हैं जिसमें से CSIR 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक या दो डायरेक्टली पूछता है. आपको उसका बेसिक समझने के लिए पहले इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से. हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है पोल्स पे वो माइनस डिग्री या नियर अबाउट 0 डिग्री है, जबकि जो इक्वेटर पे टेम्परेचर है वो अराउंड 45, 44, अराउंड 50 के अराउंड ही हम लेते हैं तो उतना है. तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर में, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर में किस तरह से हमारी स्पीसीज सर्वाइव कर रही है. पहली जो क्लासिफिकेशन आप जो देख रहे हैं यूरिथर्मल और स्टीनोथर्मल, यूरिथर्मल के अंडर वो स्पीसीज आती हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती हैं, और स्टीनोथर्मल में वो स्पीसीज आती हैं जो हमारी एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव करती हैं. यूरिथर्मल वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकती हैं और स्टीनोथर्मल हमारी नैरो रेंज में सर्वाइव करती हैं. अब जो स्टीनोथर्मल है इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है टेम्परेचर रेंजर्स, कि उस नैरो रेंज में ही ये अपना सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. जो यूरिथर्मल है वो दो पार्ट्स में आगे और डिवाइडेड है, थर्मोफिलिक एंड क्रायोफिलिक. थर्मो मीन्स नाम ही बता रहा है, हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर लविंग मीन्स ये जो स्पीसीज है वो हाई टेम्परेचर में ही सर्वाइव करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगे या ग्रो करेंगी. क्रायोफिलिक, क्रायो प्रिजर्वेशन आपने सुना होगा, ये क्रायोफिलिक है मीन्स कोल्ड टेम्परेचर लविंग. जो कम टेम्परेचर है यानी कोल्ड टेम्परेचर है वहां पर रहना ज्यादा पसंद करती हैं या वहां पर पाई जाती हैं, और इनका रिप्रोड्यूस और सर्वाइवल कोल्ड टेम्परेचर में ही होता है. अब हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि किस तरह से ये सर्वाइव करती है, कौन सी है जो वाइड रेंज में करती है, कौन सी हमारी नैरो रेंज में करती है, किस तरह वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब क्वेश्चन ये है कि ये करते कैसे हैं सर्वाइव, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं. एक टर्म आपने एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी या इकोलॉजी में भी बार बार सुनी होगी, होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करता है ये प्रवाह किए बिना या इसका बिना कोई अफेक्ट हुए कि एक्सटर्नल में क्या टेम्परेचर है. एग्जांपल लेते हैं, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 है, क्या ये बदल जाता है समर्स और विंटर में या इतना ही रहता है जो आपकी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है. डॉक्टर आपको जब थर्मोमीटर लगाता है वो ये नहीं देखता कि समर है या विंटर है, वो तो आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेक करता है जो नॉर्मली 98.6 होना चाहिए. तो हम अपना इंटरनल टेम्परेचर खुद मेंटेन कर रहे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या टेम्परेचर है, बाहर क्या एनवायरमेंट है. तो होमोस्टेसिस क्या होता है, अपने इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करके रखना बिसाइड्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड एनवायरमेंट. तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है जो कि हमारा 98.6 है, तो उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं. जब हम कंप्लीटली इंटरनल एनवायरमेंट की बात करते हैं कि हमें अपना इंटरनल जो एनवायरमेंट है उसको बैलेंस करके रखना है डिस्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड एनवायरमेंट, तो होम्योस्टेसिस कहते हैं इंटरनल एनवायरमेंट के बैलेंसिंग को या मेंटेनेंस को ये परवाह किए बिना
या इसका बिना कोई इफेक्ट हुए कि बाहर कैसा इन्वायरमेंट है, तो उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट की जगह इंटरनल टेम्परेचर लेंगे। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 10th, 11th, 12th क्लास में, BSc में पढ़ा होगा। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, होम्योथर्मिक। ये होम्योस्टेसिस था, ये होम्योथर्मिक है, आप थोड़ा सा अंदाजा आपको यहीं से ही लग जाएगा। होम्योथर्मिक क्या होता है, जिनके ऊपर बाहर के टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, उनका इंटरनल टेम्परेचर वही रहता है जो उनका इंटरनल है, बाहर टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, जीरो हो रहा है या 50-45 हो रहा है, तो उन्हें कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें होम्योथर्मिक भी कहा जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल को होम्योथर्मिक, आप टर्मिनोलॉजी को जरूर समझिएगा, यहीं से ही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं जब टर्म्स पुट कर दी जाती हैं इनकी जगह, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड की जगह जब टर्म्स पुट कर दी जाती हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। ICMR तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है होम्योथर्मिक क्या होते हैं, पोकेलियोथर्मिक क्या होते हैं, वो तो सीधा ही डेफिनेशन पूछता है, चार ऑप्शन होते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है। तो होम्योथर्मिक क्या है, जिनके ऊपर बाहर के इन्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता है, बाहर क्या चल रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन है। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, एंडोथर्म क्या देते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले कोल्ड ब्लडेड मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो पोकेलियोथर्मिक पे है, इस टर्म का नाम है, ये क्वेश्चन अभी JNU का जो एंट्रेंस हुए हैं MSc के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इस टर्म की डेफिनेशन पूछी हुई थी, ये किसे कहते हैं, इसी साल 2019 में PG एंट्रेंस में, तो बहुत ही टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि इनका मीनिंग क्या है। पोकेलियोथर्मिक क्या होते हैं, जिनके ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और वो अपना इंटरनल टेम्परेचर है जो वो चेंज कर लेते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने से। अब बाहर जैसे विंटर है तो वो अपना टेम्परेचर विंटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बाहर अगर समर है तो वो समर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करेंगे, इन्हें पोकेलियोथर्मिक कहा जाता है। अब बात आती है एंडोथर्म पे, एंडोथर्म क्यों कहा जाता है, एंडोथर्म इसलिए कहा जाता है, और थर्म मीन्स आपको पता है हीट, एंडो मतलब इंटरनल, जो अपनी इंटरनल हीट, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। अब हम अपना टेम्परेचर है जो मेंटेन रख रहे हैं 98.6, तो वो हम अपना मेंटेन रख रहे हैं ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसलिए जो पर्संस रहते हैं जम्मू कश्मीर में या हिल्स पे, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो उनको हीट ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है, और वो हीट जनरेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्शन से या मेटाबॉलिक रिएक्शन से, एक्टिविटी से, इसलिए उनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है नॉर्मल इक्वेटर पे रहने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है अपना टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो एंडोथर्म क्या होते हैं, जो अपना टेम्परेचर, अपनी बॉडी की जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। जबकि जो एक्टोथर्म, जिन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोकेलियोथर्मिक भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं जैसा कि टेम्परेचर बाहर है। अगर समर है तो वो टेम्परेचर अपना समर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये चेंज इस तरह करते हैं कि ये या तो हीट का लॉस कर देते हैं या हीट गेन कर लेते हैं बाहर से अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इन्हें एक्टोथर्म कहा जाता है। ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अपना जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करते हैं, जबकि एंडोथर्म है जो वो अपना टेम्परेचर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मेंटेन करते हैं। एंडोथर्म में आपने देखा होगा कि शिवरिंग का और स्वेटिंग का फिनोमिना भी एंडोथर्म में ही होता है। और जब हम स्वेटिंग करते हैं तो मतलब हम हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तब हम हीट शिवरिंग करते हैं मतलब हमें हीट की रिक्वायरमेंट है कोल्ड में हम जो करते हैं। ये जो बेसिक वीडियो था, इसको बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था ताकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेनली जो लास्ट आगे फोकस्ड होंगे वो एंडोथर्म पे होने वाले हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स को लेके होने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को
मैंने बेसिक पर्पस के लिए बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए, और सीएसआईआर डायरेक्ट बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, आईसीएमआर पूछ लेता है, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम जो लाभ पढ़ने वाले हैं मेनली वो टेम्परेचर से ही रिलेटेड होंगे, तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से कम्प्लीटली समझ लीजिए। कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं एक बार आपको दोबारा भी नेक्स्ट वीडियोस में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।